I'm in love. Who's the lucky man? Ajay, वही, पता है? उसी का फोन था. And he said the three golden words to me. I love you, Nancy. Oh God, Jenny, love is such a wonderful feeling. प्यार में और बहुत कुछ होता है, नैंसी. Life is so beautiful, Jenny. कितनी इंटरेस्टिंग सिचुएशन क्रिएट करती है. तुम अशोक से प्यार करती हो और मैं तुम्हारी छोटी बहन अशोक के छोटे भाई अजय से. व्हाई डू यू फाइंड इट सो इंटरेस्टिंग? अरे बुद्धू, क्योंकि अब हमारा डबल रिश्ता हो जाएगा. वी विल गेट इवन मोर क्लोज. इजंट दैट इंटरेस्टिंग? नैंसी, जो चीज दूर से खूबसूरत और इंटरेस्टिंग दिखाई देती है, पास आने पर वो कुछ और ही होती है. Why do you say that? इस कॉम्प्लिकेशन को समझने की तुम्हारी उम्र नहीं है. तुम अभी बच्ची हो. तुमने फिर मुझे बच्ची कहा. मैंने हजार बार कहा है मैं बच्ची नहीं हूँ, मैं बच्ची नहीं हूँ. लेकिन कोई नहीं समझता. You know why? Because they don't care and you don't care. You damn fool. Nancy. What? That's it. Okay. सच रोहित, जब से तुमने इस कंपनी को ज्वाइन किया है, मेरे काम का बोझ बहुत हल्का हो गया है. आधा वर्ष. थैंक यू. क्यों, आपको मुझे सैलरी देने का कोई इरादा नहीं है क्या? क्या मतलब? नहीं, अगर आप मुझे सैलरी दे रही हैं तो फिर आप थैंक यू क्यों कह रही हैं? सच रोहित, तुम एक बात जानते हो, तुम बातें बहुत इंटरेस्टिंग करते हो. अरे बाप रे बाप, इतने बड़े कॉम्प्लीमेंट के बाद तो अब मुझे आपको थैंक यू कहना पड़ेगा. थैंक यू मैम. यू आर मोस्ट वेलकम. यस शरद. यस मैडम. मिस्टर टॉम, प्लीज कम इन. थैंक यू. यस मैडम. मिस्टर टॉम, मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है. जी कहिए. रोहित. यस मिस्टर टॉम, व्हाई डोंट यू टेक अ सीट? थैंक यू मिस्टर टॉम. इस कंपनी को अब आपकी जरूरत. एनी पर्टिकुलर रीजन? ओह नो पर्टिकुलर रीजन एट ऑल. ये मैम का डिसीजन. माफ कीजिएगा, लेकिन मिस्टर आनंद ने मुझे हायर किया था और वो मेरे काम से बहुत खुश है. मिस्टर टॉम, इस वक्त मिस्टर आनंद की कुर्सी पर मैम है और उन्हें आपकी जरूरत नहीं है. आई होप यू अंडरस्टैंड. यस आई डू अंडरस्टैंड. गुड, हियर्स योर सैलरी चेक. थैंक यू. मैडम, आपने ये फैसला क्यों लिया मैं अच्छी तरह समझ रहा हूं, लेकिन आप कब समझेंगे? आपने मुझसे कहा था ना कि आपको खुशामद पसंद नहीं है. क्या मतलब? मतलब ये कि मिस्टर आनंद सिर्फ मेरे बॉस ही नहीं है, मेरे बहुत अच्छे दोस्त भी हैं. इसलिए मैं ये कह रहा हूं. मैडम, आपके आसपास जो कुछ हो रहा है आप उससे बिल्कुल बेखबर हैं और मैं चाहता हूं कि वक्त गुजरने से पहले आप समझ जाएं. गुड डे मैडम एंड गुड बाय. गुड बाय.
पापा अच्छा आप जल्दी आ गए मुझे ना जेनी आज मैं किसी की बात नहीं सुनना चाहता हूँ प्लीज मुझको परेशान मत करो क्या बात है पापा क्या हुआ शारदा वर्मा जी ने मुझे नौकरी से निकाल दिया व्हाट लेकिन क्यों जेनी तुम्हें इतनी हैरत क्यों हो रही है मुझको मालूम था कि एक न एक दिन यही होगा अशोक के घर से चले जाने का जिम्मेदार शारदा जी तुम्हें समझती हैं और वो गुस्सा आज उन्होंने मेरे ऊपर निकाल दिया बस पापा शारदा आंटी ये नहीं जानती कि सिचुएशन कितनी कॉम्प्लिकेटेड हो गई है मतलब अजय और नैंसी एक दूसरे से प्यार करते हैं मुझे रात भर नींद नहीं आई नैंसी सारी रात मैं भी सो नहीं सका क्या तुमने भी कोई सपना देखा हाँ। तुमने भी कोई सपना देखा हाँ पहले तुम नैंसी मैंने सपने में देखा कि दूर पहाड़ों पे बर्फ पिघल रही है डूबते हुए सूरज की लहरी बादलों में चारों तरफ फैल रही है और हम दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़कर बादलों में दूर हुए चले जा रहे हैं कहाँ सपनों की दुनिया और तुम तुम्हारे सर पर सितारों का ताज है और तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो सपने में भी और हकीकत में भी जानती हो मैंने तुम्हारे जैसी खूबसूरत लड़की आज तक नहीं देखी झूठ ग्लैमर वर्ल्ड में तो तुम्हें एक से एक सुंदर लड़कियां दिखती होंगी हाँ मिलती हैं लेकिन तुम जैसी कोई नहीं जानती हो नैंसी तुम्हारे सामने कभी कभी तुम्हारी बहन जेनी भी पीकी पड़ जाती है हे डोंट बिच अबाउट माय सिस्टर ओके ऑलराइट सो लेट्स बिच अबाउट अस चलो समुद्र किनारे चलते हैं डूबते हुए सूरज को दिखाएं नैंसी क्या तुम मेरा सपना हकीकत में बदलना चाहोगे और तुम नहीं चाहते हाँ नैंसी आई लव यू नैंसी आई लव यू वेरी मच आई लव यू टू अजय क्या बात है शकुन बहुत टेंस लग रही है मेरे सारे प्लान्स फेल होते जा रहे हैं माया इसका मतलब है कि शारदा ने तुम्हारा ऑफर नामंजूर कर दिया है ना हाँ वो चाहती है शेयर्स हम लोगों के नाम पर जैसे थे वैसे ही रहने चाहिए बट आई थिंक दैट्स अ वेरी वाइज डिसीजन ये डिसीजन शारदा और कंपनी दोनों के लिए बहुत कंफर्टेबल व्हाट अबाउट माय कंफर्ट मैं जब से उससे मिलकर आई हूँ एक पल चैन से नहीं बैठी हूँ पता नहीं क्यों मेरा दिल बार बार यही कह रहा था कि शारदा तुम्हारा ऑफर नामंजूर करेगी वो मान जाती अगर वो शैतान बीच में नहीं आता ना तो शैतान कौन शैतान रोहित मिश्रा शारदा का बिजनेस एडवाइजर उसी की वजह से शारदा मेरे शिकंजे में आने से पहले निकल गई शकुन तू उसे अपने शिकंजे में लेने की कोशिश क्यों कर रही है देख शकुन ये बदले की आग तेरा सुख तेरा चैन सब कुछ जला के राख कर देगा प्लीज प्लीज इतनी लालच ठीक नहीं है शकुन ये लालच नहीं है माया कि मेरी जरूरत है शकुन तेरे पास सब कुछ है इतनी सारी दौलत है शकुन ये काफी नहीं है ये दौलत मेरी जरूरत पूरी करने के लिए काफी नहीं है शकुन तेरी जरूरत है क्या मेरी जरूरत विनायक है माया तुम्हें देखने के लिए आंखें तरस गई थी लेकिन उम्मीद नहीं थी कि तुम आओगी कब तक ना दी कैसी हो तुम अच्छी हो तुम मैं बस सजा काट रहा हूं
क्यों काट रहे हो ये सजा? शारदा, मैं तुम्हें दुनिया की सारी खुशी देना चाहता, सारे सुख तुम्हारे दामन में भर देना चाहता, लेकिन शायद हालात को ये मंजूर नहीं था। एक लंबे वनवास के सिवा मैं कुछ नहीं था। विनायक, आखिर गैर कानूनी काम करके तुम मुझे कौन सी खुशी देना चाह रहे थे? मेरा भगवान गवाह है, मुझे नहीं पता था कि मैं गैर कानूनी काम कर रहा हूं, और जब मुझे पता चला तब तक मैं हालात के शिकंजे में पूरी तरह फंस चुका। विनायक, जिन लोगों ने तुम्हें फंसाया है उन्हें कानून के हवाले कर दो और खुद को इस शिकंजे से आजाद कर लो। शारदा, मेरे पास उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं है। तो क्या हम कभी साथ नहीं रह पाएंगे? किसी उम्मीद में तो सजा काट रहा हूं कि ये सजा शायद मेरे सारे पापों को धो डाले, फिर मैं तुम्हारे पास आऊंगा। ओके नैंसी, बाय नहीं कहोगे? बाय पहले तुम कह दो। पहले तुम नैंसी, पहले तुम अब फिर कब मिलोगे? बहुत जल्दी, शायद कल। Why not tonight? एक दिन में दो बार मिलोगी क्या? हाँ, वरना तो मुझे भूल जाओगे। नहीं नैंसी, मैं इस घर को और इस घर के रहने वालों को कभी भूल नहीं सकता। ये घर कहाँ से बीच में आ गया? तुम पिछले जन्म में बिलीव करती हो? आई डोंट नो नैंसी, पिछले जन्म से मैं इस घर में आता जाता हूं। एक बार मैं इस घर से बिछड़ गया और आज फिर इस घर ने मुझे वापस बुला लिया। मुझे तुम्हारी बातें मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रही है। मैं भी कभी कभी कैसी बातें करने लगता हूँ। Nancy, now be a good girl. Go home and sleep. Okay, bye. Hello, sir. कहाँ से आ रहे हो तुम? रेस्टोरेंट से आइसक्रीम खाने गई थी। किसके साथ? अजय के साथ, आप तो उसे जानते हैं। मैं जानता हूँ, लेकिन ये नहीं जानता था कि तुम दोनों की दोस्ती इतनी क्लोज हो गई है। सर, ही इज अ वेरी नाइस मैन। इसका मतलब ये नहीं कि तुम उसके साथ घूमना शुरू कर दो। आई एम इन लव विद हिम। व्हाट? सुना तुमने कि तुम्हारी ये सिस्टर क्या बोल रही है? इट्स ओके पापा, अजय अच्छा लड़का है, he's a gentleman, और वो नैंसी का ख्याल रखेगा। कम नैंसी, कौन से रेस्टोरेंट में गए थे तुम लोग खाना खाने? God! थैंक यू टॉम। अभी जो तुमने नैंसी के लिए कंसर्न दिखाई, आई एम वेरी ग्रेटफुल। सुनो, नैंसी नादान है, ना समझ है, शी इज वेरी वेरी यंग। मेरी बातों का और कोई मतलब मत निकालो प्लीज। आफ्टर ऑल शी इज माय गेस्ट। I...
अजय, तुम्हें दुख और परेशानी में तो पीते हुए देखा है, लेकिन खुशी में कभी नहीं। माया, कौन कमबख्त कहता है कि मैं खुशी से पी रहा हूं? तो फिर किस लिए पी रहे हो? किसकी याद में पी रहे हो? कभी याद आ जाती तो पी लेता हूं, कभी पीकर याद कर लेता हूं। जेनी को? माया, तुम हमेशा जेनी के नाम क्यों लेती हो? अजय, जेनी तुम्हारे दिल से गई कब थी? जेनी अब मेरे दिल में बिल्कुल नहीं है, मैं उससे प्यार नहीं करता हूं। माया, मेरे दिल में तो अब सिर्फ और सिर्फ नैन्सी, ब्यूटीफुल स्वीट नैन्सी, मुझे उससे प्यार हो गया। तुमसे एक बात पूछूं, बुरा तो नहीं मानोगे? जेनी से बदला लेने के लिए तुम नैन्सी से तो नहीं प्यार कर रही? What nonsense, माया? माया, मैं नैन्सी से ही प्यार करता हूँ। And I'm sure about my feelings. I love Nancy only. That's it. No, अजय, तुम उसे प्यार नहीं करते हो, तुम उसे प्यार करना चाहते हो। तो उससे क्या फर्क पड़ता है माया? बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। तुम नैन्सी से प्यार नहीं करते हो, तुम उसके जज्बात से खेल रहे हो। प्यार का गेम खेलना सिर्फ जेनी जैसे लोगों का आता है, मुझे नहीं। मैं सिर्फ नैन्सी से प्यार करता हूं, सिर्फ और सिर्फ नैन्सी से। आई एम वेरी हैप्पी टू हियर दैट। और मैं विश्वास करना चाहती हूं कि तुम सच बोल रहे हो। माया, मैं भी अपने आप को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि मैं सच बोल रहा हूं। पहले पहले हर लड़का दुनिया का सबसे अच्छा लड़का लगता है, लेकिन ये सब सही नहीं होता, यही कहना चाहती हूँ ना तुम? देखो नैन्सी, मैं तुम्हें डिसअपॉइंट नहीं करना चाहती, मैं तुम्हें पेन से बचाना चाहती हूँ। पेन? व्हाट पेन? तुम्हीं ने तो कहा था ना कि अजय एक जेंटलमैन है। वो तो मैं आज भी कहती हूँ, लेकिन अजय के बारे में ऐसी बहुत सी बातें हैं जो तुम नहीं जानती। लाइक व्हाट? अजय ने मुझको प्रपोज किया था, उसने कहा था दैट ही लव्स मी, वो मुझसे शादी करना चाहता था। लायर, यू आर अ डर्टी लायर। सच तो ये है कि तुम मेरी खुशी से जलती हो। यू आर जस्ट लाइंग, यू नो जेनी, जस्ट लाइंग। नहीं, मैं झूठ नहीं बोल रही हूं। यू आर अ डर्टी बिच, दैट इज व्हाट यू आर। नैन्सी!